शेख, मेरा सवाल आखिरत से रिलेटेड है। तो जो नॉन मुस्लिम्स है जिनको इस्लाम का मैसेज नहीं मिला है, तो एग्जैक्टली मुझे तो पता है कि चार तरह के टेस्ट होंगे उनके। तो मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा वाजे करें, क्योंकि एक सफेद पगड़ी वाले जाकिर को सुन रहा था, तो उसने जब बोला तो उसने ये कहा कि अगर आपको अल्लाह के नबी का मैसेज नहीं मिला है, क्या प्रॉफिट मोहम्मद आपके वो इस्लाम का मैसेज नहीं मिला है, तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल होगा। अब वो सवाल ये होगा कि आप एक अल्लाह में मानते हैं क्या? अगर आपने कहा हाँ मैं मानता हूँ, तो फिर आपको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये तो मुझे एकदम फ्री का जन्नत का टिकट लगा। तो थोड़ा आप जरा ये सवाल को वाजे करें प्लीज। देखिए, इस सवाल में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो ये कि मौजूदा जमाने में अभी जिस सूरत हाल में पूरी दुनिया जी रही है, इसमें ये कहना कि किसी को इस्लाम का पैगाम नहीं मिला, इस्लाम के बारे में उसको मालूमात नहीं मिली, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक फर्जी चीज है, इफ्तराजी चीज, फर्ज करने वाली, कि फर्ज कर लो। इस जी जमाने में तकरीबन इस्लाम का पैगाम कोने कोने में पहुंच चुका है, दुनिया में हुज्जत कायम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम फर्ज कर जी लेते हैं कि कोई शख्स ऐसा है दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा है, या इसी तरह से वो लोग जैसे अल्लाह दो दो नबियों के दरमियान वक्फा होता था ना, एक नबी के आने के जाने के बाद दूसरे नबी के आने तक एक वक्फा होता था, जिन और उस वक्फे में पाए जाने वाले लोगों को अस्हाबुल फतरा कहा जाता है। फतरा मतलब वक्फा। तो मान लीजिए जी जो उस फतरे में पाए गए, तो उन्होंने ना तो पहले नबी को पाया ना तो दूसरे नबी को पाया, अल्लाह का रिसाला, अल्लाह का मैसेज उनको पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या हुक्म है जो असहाबुल फतरा हैं, या ऐसे लोग जिनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा ही नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक से जायद जगहों पर बताया है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी को अजाब नहीं देगा जब तक उनके ऊपर हुज्जत नहीं कायम कर देगा, और ये अल्लाह का अदल और उसका इंसाफ है। अदल का तकाजा यही है कि भाई जब उसको मैसेज ही नहीं पहुंचा तो उससे पहले उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे? अगर मैसेज पहुंचे और उसको ना माने तब उसका हिसाब किया जाए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदल की इंतहा है कि ऐसे लोगों को जब तक मैसेज अल्लाह का नहीं पहुंचेगा तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही जहन्नम में नहीं डाल देगा। तो ऐसे लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन ऐसे लोगों का इम्तिहान और इख्तिबार लेगा, इब्तिला। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने अपना वो मैसेज पेश करेगा। अब अगर उस मैसेज पर वो खरे उतरेंगे तो जन्नत में, खरे नहीं उतरे तो जहन्नम में। और यही हाल मुशरिकीन के या गैर मुस्लिमीन के जो छोटे बच्चे, जो बचपन ही में जिनकी वफात हो जाती है, तो जाहिर है जब बच्चा मुकल्लफ नहीं है तो मैसेज पहुंचने और ना पहुंचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो बच्चा, गैर मुस्लिम बच्चा जो बचपन में वफात पा गया, वो भी असहाबुल फतरा के साथ ही होगा, वो भी उसकी भी इब्तिदा आजमाइश और उसका भी इख्तिबार और इम्तिहान होगा, और उसी एतबार से उसका नतीजा तय होगा कि जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। बाकी जो डिटेल बयान करते हैं वल्लाहु आलम, मुझे उस डिटेल का इल्म नहीं है। अगर आपको फला फला सवाल ऐसा ऐसा होगा, उस डिटेल अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैसेज उसको दिया जाएगा, कौन सी चीजें हैं, अल्लाह पर ईमान लाता है कि नहीं, अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर ईमान लाता है, यही सारे सारी चीजें अल्लाह का मैसेज है। चलिए जी ठीक है। काजी अच्छा मोहम्मद, शेख, खाली ये बताइए बस, जो फितरा की जो आपने बात की, तो उल्मा का इसमें फितरा इख्तलाफ नहीं, है ना कि फितरा आप नहीं, फितरा नहीं, सॉरी फतरा। फतरा फतरा मतलब थोड़ी वक्फा। थोड़ी उर्दू कमजोर है, माफी चाहता हूँ। अच्छा जो जो फतरा की आपने जो बात की, खाली ये बता दीजिए उल्मा का इसमें इख्तलाफ है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के आप बारे में? देखिए, ऐसे सवालात, ऐसे खास तौर से इख्तलाफी सवालात, इन इख्तलाफी सवालात से जो आम आदमी है जिसको दीन के बुनियादी बातें भी पता नहीं है, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी होती है कि एक आदमी जिसको यानी 24 घंटा जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसका इल्म नहीं है, लेकिन
वो सवालात जिनमें बड़े बड़े उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, इंतहाई दकीक मसाइल, उनके बारे में एक आम आदमी क्यों जानना चाहता है? चले ठीक है, जाने दीजिए। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आखिरत के दिन जो है, आखिरत का सवाल के बारे में जस्ट कंटिन्यूएशन इतना बता दीजिए, अपने आफ्टर लाइफ है, लाइक मरने के बाद एक जिंदगी हमको फिर से उठाया जाएगा, लेकिन कब्र की भी एक जिंदगी है, तो एक्चुअली फिर आफ्टर लाइफ कितने हैं, एक है या दो है, मैं बस इतना बता दीजिए मुझे, क्योंकि कब्र में भी अगर अल्लाह ताला सबकी कब्र को जन्नत का बाग बनाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कब्र में भी तो जिंदगी है, अगर उसे हिसाब किताब होगा तो उससे ऑफकोर्स जो जब जागेगा तभी होगा ना, तो उसमें भी तो उसको उठाया जाएगा, तो फिर हम सिर्फ आफ्टर लाइफ की क्यों बात करते हो, कब्र की जिंदगी की बात क्यों नहीं होती है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तो एक है या दो है इतना बता दीजिए बस। जिंदगी तीन है, एक दुनिया की जिंदगी, एक बरजख की जिंदगी, एक आखरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी ये है जो हम जी रहे हैं, जब हम मर जाएंगे हमारी रूह निकल गई, अब बरजख की जिंदगी शुरू होगी, और बरजख की जिंदगी कयामत तक रहेगी। जब कयामत कायम होगी तो बरजख में जो लोग हैं, मर चुके हैं, बरजख में हैं, उनको उठाया जाएगा। अब फिर वो आखरत की जिंदगी है, और आखरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, या तो जन्नत या तो जहन्नम, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये तीन जिंदगियां हैं। ठीक है ठीक है, चले, जजाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन, जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।